इस खबर के प्रायोजक हैं एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स। पूर्वांचल के प्रसिद्ध ज्वेलर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में पहली बार लेकर आ रहे हैं विशेष गहनों की सौगात। प्रदर्शनी एवं बिक्री दिनांक 6, 7 और 8 मार्च 2021, समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। पता, होटल ग्रैंड एसआर, राहुल नगर, मंडिया, आजमगढ़। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर, एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। बलिया मठ का महंत बना अपने ही मठ के शिष्या का दुश्मन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एक बालिका से जुड़ा ऐसा मामला जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बलिया के बेलथरा रोड क्षेत्र में स्थित खैरा खास मठ में एक नाबालिग बालिका के यौन शोषण का मामला सामने आया है। मठ के महंत और उनके शिष्यों पर बालिका के साथ पिछले कई वर्षों से शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि मामले को दबाने की कोशिश होती रही। अब पीड़िता ने न्याय के लिए अदालत का सहारा लिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 3 जनवरी 2021 को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस मामले को लेकर लापरवाह बनी हुई है। मामले में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले का खुलासा करने के लिए प्रभावी जांच का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। मठ के जो मठाधीश हैं वो राघवेंद्र मामा हैं, उनका नाम राघवेंद्र दास है, वो वहाँ के मठाधीश थे। लेकिन वहाँ पे उनकी हुकूमत नहीं चलती थी, वहाँ पे अगर चलती थी किसी की तो वो है राजेश गुप्ता। मतलब वो इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ पे वो करते थे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वहाँ पे जितने भी संत थे उनको परेशान करना। और एक बार तो मैं कोई काम हो रहा था तो मतलब एक चौपाई मुझे नहीं आ रही थी तो उन्होंने मुझ पर थप्पड़ उठा दिया। तो राघवेंद्र मामा ने ये बोला कि आप उसे मार क्यों रहे, अभी वो बच्ची है, सीख जाएगी। और उसके बाद मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, राघवेंद्र मामा ने मुझे बहुत समझाया। वहाँ पे वो रहते थे। गुप्ता जी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सब बेलथरा रोड के रहने वाले हैं, जो कि मेरे मामा हैं वो बलरामपुर के हैं। आपके सगे मामा है? नहीं, मेरे फूफा जी हैं वो। हाँ, दूर नहीं, दूर के फूफा जी हैं, मतलब मेरी बुआ हैं, उसी घर में मेरी बुआ की शादी हुई है, तो वो मेरी बुआ के देवर लगते हैं। मैं उनको फूफा जी कहती हूं। वो महंत थे वहाँ पे वो मुख्य पुजारी थे। वहाँ कहाँ के महंत थे? खैरा खास मठ के वो मुख्य पुजारी थे। वो अभी आपकी मदद नहीं की? उन्होंने ही तो मेरे साथ शोषण किया था। मतलब आपकी फूफा ने ही शोषण स्टार्ट किया? हाँ जी, उन्होंने ही मेरे साथ पहले शोषण स्टार्ट किया था। एक कितने लोग हो गए? एक करके फिर उनके एक पहले तो वो करते थे, ये कंटिन्यू उनका रहा। उसके बाद फिर उनके चेले हैं जो कि जगत नारायण दुबे और वो हैं राजेश गुप्ता हैं, वो उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत कोशिश, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत मैं कह भी नहीं पाती थी किसी के, क्योंकि डर लगता था कि मार देंगे वो लोग, क्योंकि वो तीन थे और हम अकेले थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। आप अपने घर वालों से कब बताए? मैंने पहले तो डर लगता था क्योंकि पापा के चले जाने के बाद, बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन टूट चुके थे पापा के जाने के बाद। ऐसा लगता था कि मेरे पापा ही मेरी दुनिया थे, उनके जाने के बाद बिखर चुके थे हम। हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम मम्मी को बताएंगे, मेरी मम्मी भी कहीं सुसाइड ना कर लें, छोड़ के ना चली जाएं। डर लगता था मुझे, बहुत डर लगता था। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके, जो कि मेरे मौसा जी हैं ललन मिश्रा, मैंने बहुत हिम्मत की। बहुत एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो मेरे मौसा जी ने मुझसे पूछा कि बेटा आप परेशान क्यों हो? मैं रोने लगी, मेरे मौसा ने मुझे गले लगा के पूछा एक बेटी की तरह कि आपके साथ क्या हुआ। मुझे उस समय मेरे मौसा को बताना पड़ा कि मेरे साथ ये हुआ था। बोला कि ठीक है बेटा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं आपको न्याय दिलवाऊँगा, जो कि आज अगर मैंने ये जंग छेड़ी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मौसा जी की वजह से। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, एक हौसला दिया, और तब जाके मैंने एक FIR किया, जो कि कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी समझ में कोई स्पेसिफिक मामला नहीं था, केवल और केवल एक
NBW के किसी तामिला की बात उक्त बच्ची द्वारा बताई गई, जिसको मेरे द्वारा तुरंत एश्योर किया गया, कप्तान साहब को बताया गया, वो क्रॉस चेक कर लिया जाएगा, NBW अगर आया हुआ है कोर्ट से तो पुलिस निश्चित रूप से उसको तामिला दिलाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।